एक प्लेट बिरयानी की कीमत, तुम क्या जानो रमेश बाबू, गुंजन कपूर को नकाब पहनकर गजाला बनना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत आरोप लगाया गया ना कि बिरयानी बांटी जाती है आम आदमी पार्टी की तरफ से, 8 तारीख के बाद वो खत्म हो जाएगा बिरयानी खिलाने के लिए। तो क्या जरूरत पड़ गई गुंजन कपूर को बुर्का पहनने की बिरयानी खाने के लिए वहाँ पे? आप आती है ऐसे, आपका स्वागत था, मोस्ट वेलकम। आप आइए ना, बिरयानी के साथ कोरमा भी खिलाएंगे आपको, आइए ना। आप ऐसे आइए, आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर क्यों आती है? देश के गवारों को, बीजेपी के दलालों को, देश के गद्दारों को, नफरत फैलाने वालों को, मॉब लिंचिंग करने वालों को। दूसरी बात मेरी है, पूरे बीजेपी के नेता, बड़े नेता से मेरा ये दावा है कि आप मुझे इसका जवाब दे दें कि इससे पहले हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या नागरिकता देने का कोई कानून है या नहीं था? हाँ, कानून था ना। युगांडा से लोग आए, तमिल, श्रीलंका से तमिल लोग आए, उनको नागरिकता दी गई ना भाई, वो हिंदू लोग थे ना। ये एक अफवाह फैलाई गई कि मुसलमान जो हिंदू के विरोध कर रहे हैं, जो लोग बाहर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, आप ले आइए ना, आप यूके से, यूएस से जो वहाँ के सिटीजन है ना, उनको भी ले आइए और दीजिए यहाँ की नागरिकता आप। हम बिल्कुल भी उसको मुखालिफ नहीं है, लेकिन CAA लाके क्यों देना चाहते हैं सर, क्या मकसद है आपका? तो साफ पता चलता है कि आपकी जहन जो है ख़राब हो गया है, आप संविधान को बदलना चाहते हैं और जो ये कानून जो है वो आर्टिकल 14 और 15, 21 के ख़िलाफ़ है और ये हिंदू मुस्लिम को बांटने वाला कानून है, इसलिए हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि देश में घुसपैठियों की बहुत बड़ी तादाद हो गई है, उनको बाहर निकालने के लिए ऐसे कानून की बहुत ज़रूरत थी देश को। कौन सा कानून? CAA। CAA से तो निकालने का कोई है ही नहीं, वो तो लेने वाला कानून है, देने वाला तो है ही नहीं। निकालने वाला कहा कानून है, वो तो कह रहा है कि हम उसे नागरिकता देंगे। तो कौन सा कानून से आप घुसपैठियों को निकालेंगे? क्या पहचान करेंगे घुसपैठियों की? नहीं, घुसपैठियों की पहचान क्या होगी आपके? क्या आधार होगा? आधार कार्ड तो आधार है नहीं, पहचान पत्र पहचान आधार है नहीं, ना पासपोर्ट ये आधार है, फिर न राशन कार्ड आधार है, क्या है पहचान? कि ये घुसपैठिया लिखा हुआ नहीं मेरे सर पे, मेरे सर पे तो NRC लिखा हुआ है सर, नो NRC नो MPR, किसके सर पे लिखा हुआ घुसपैठिया? कोई आधार तो होगा ना आपके पास? तो ये सारी साजिश सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने की और यहाँ के भाईचारे को, सेकुलरिज्म को ख़राब करने की और कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार जो है सिर्फ अपना वोट बैंक की ये राजनीति कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। ठीक है सर, मोदी जी कहते हैं कि सब चंगा से, लेकिन देश में पिछले कई महीने से आंदोलन चल रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? सर, उनको पहले लगा था कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने की बहुत कोशिश की गई इस आंदोलन को, पूरे मुल्क में जो उठा हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने की, लेकिन होते होते ये कहाँ पे आके रुका? गॉडसे वर्सेस गांधी। जो गॉडसे के मानने वाले लोग थे, जो गॉडसे को अपना गुरु मानते हैं और जो गांधी की हमेशा शुरू से मुखालफत करते रहते हैं, तो उसके बीच में लड़ाई हो गई है। और ये चंगासी कहाँ है देश में? पूरा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे साथ है। आप देख लीजिए जाके शाहीन बाग में कितने सिख भाई आ रहे हैं, जितने हमारे ईसाई भाई वो आ रहे हैं, हिंदू महिलाएँ आ रही हैं वहाँ पर। तो उनकी एक साजिश थी हिंदू मुस्लिम करने की, लेकिन वो चल नहीं पाई।